और बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता हत्याकांड के दो आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है। दोनों दोषियों की सजा पर फैसला शुक्रवार को होगा। निकिता तोमर नाम की छात्रा की 26 अक्टूबर 2020 को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी। हत्या का दोषी तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बना रहा था। जब निकिता ने इनकार किया तो तौसीफ ने गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी। दोनों को दोषी करार दिया है और एडिशनल 27 एक आर्म्स एक्ट में तौसीफ को दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी दिया है। और ये जो क्वांटम पे जो बेस पे जो कन्विक्शन जो सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, वो 26/3/2000 यानी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। इन साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। अब ये तो ऐसा कुछ नहीं, ये कोर्ट जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। जजमेंट के बाद जजमेंट, जब जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगी। अपना पूरा नाम बता दिया, एदल सिंह रावत एडवोकेट। आप बताएंगे कि दोषी करार दिया गया है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इस पे? दोषी 26 तारीख को ही पता चलेगा क्या सजा देंगे। सजा सुनाई, लेकिन दोषी करार दे दिया गया है। दोषी मान लिया गया है। 26 तारीख को सजा क्या होगी वो 26 तारीख को बताएंगे। मतलब सजा के बाद आप फैसला करेंगे। आप क्या चाहते हैं? फांसी की मांग करते हैं, फांसी मिलनी चाहिए, इससे कम सजा। तो आज भी फांसी की मांग, लेकिन एक आरोपी को बरी कर दिया है अजरुद्दीन को, ये कोर्ट का फैसला है। हम कोर्ट के फैसले कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, कोई प्रतिक्रिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं करेंगे। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं और कोर्ट ने जो फैसला देगा वो सम्मान करेंगे, उसका मान्य रखेंगे। ठीक है, चलिए। दीपक मिश्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, यानी अब 26 तारीख को सजा का ऐलान होगा, एक आरोपी बरी भी किया गया है, कुछ पता चल पाया अभी और क्या जानकारी? बिल्कुल, एक आरोप जो देखिए, तीसरा आरोपी जो अजरुद्दीन है उसे बरी किया गया है, क्योंकि ये वही शख्स है जिस जो नूह से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से जो हथियार था, जो आरोपी तौसीफ ने हथियार का इस्तेमाल किया था निकिता की हत्या करने में, उस हथियार को जो है अजरुद्दीन ने ही उसे उपलब्ध करवाया था। और इसके बिहार पर कई चीज़ें ऐसी थी जो जज साहब ने सुनी और इतने समय से वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो वकील हैं कि उसको भी सजा हो, लेकिन यहाँ पर उसे बरी किया गया है क्योंकि साक्ष्यों का कुछ अभाव यहाँ पर जरूर रहा होगा। क्योंकि साथ ही जो दो मेन तौसीफ और रेहान है जो उस वक्त 26 अक्टूबर को जब मौके पर मौजूद थे निकिता की हत्या के दौरान, उस वक्त वही दो थे और इन दोनों पर पूरी धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो 302 है किडनैपिंग की है, साथ ही आर्म्स एक्ट है, और ये सभी धाराएं लगाकर इनके ऊपर जो मैं बताना चाहूँगा 302 की धारा है, अपहरण की धारा है, 364 शादी के लिए मजबूर करना है, साथ ही 120 आपराधिक साजिश रचना है। यानी पूरे जो धाराएं पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज की थी, FIR की थी, उन धाराओं को ही यहां पर संज्ञान में रखकर इस पूरे मामले को सुनाया गया है। सजा जो है अब आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो 26 की रहेगी, लेकिन दोषी करार दिया है सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि जो पिता है निकिता के उनसे जब बात की थी हमने तो उनका यही कहना था कि वो कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका सम्मान करते हैं, और उनकी अपेक्षा जरूर थी कि तीसरे आरोपी को भी दोषी माना जाए ताकि उनके खिलाफ, उन्होंने ये साफ कहा है कि सजा के तौर पर वो चाहते हैं कि आरोपियों को जो दोषी करार दिया गया है उनको फांसी की सजा हो, तभी उन्हें तसल्ली मिलेगी, उन्हें उनके दिल को सुकून मिलेगा। अब देखना यही होगा कि सजा का ऐलान किस तरह का होता है। दीपक, जिस तरीके से धाराएं आप बता रहे हैं जो लगाई गई हैं और आज दोषी करार दिया गया है, किस तरीके का सजा का प्रावधान हो सकता है? देखिए, धारा 302 जो है पूरी तरह से हत्या का मामला है और हत्या की धारा है, और इस पर 10 साल कम से कम सजा का प्रावधान है, और उसके साथ ही फांसी की सजा भी हो सकती है, क्योंकि क्रूरता जो कहा गया है, क्रूरता यहाँ पर की गई थी और कई सारे एविडेंस जो है वो मौजूद थे, मजबूत एविडेंस के साथ यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। उसके साथ ही पुलिस ने सेक्शन में उस CCTV कैमरा के फुटेज को कैप्चर किया था, साथ ही जो उनकी जो निकिता थी उसकी दोस्त का पूरा बयान था, और इसके आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर हुई थी। ये बहुत मजबूत जो है विटनेस के तौर पर यहाँ पर लिए गए थे, और इसको लेकर कोर्ट पूरी तरह से इन 5 महीनों में जब जब सुनवाई हुई थी, बहस हुई थी, इस पूरे 5 महीने में इसको मजबूत आधार माना गया था, और इसको लेकर अब सजा के रूप में जिस तरह से क्योंकि क्रूरता दिखाई गई थी, और यहाँ पर ये चीज़ें अब कोर्ट को समझनी होंगी, सोचनी होंगी, क्योंकि हालांकि पीड़ित परिवार ने ये कहा कि थोड़ा समझौता हो जाए और चीन नाल थोड़ा समझौता है ही, फिर